विमान की उत्पत्ति। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या, कहाँ, किसने देखा था? उस पल तो अगम अटल जल भी कहाँ था? ऋग्वेद 10:129 से सृष्टि सृजन की यह श्रुति, लगभग 5000 वर्ष पुरानी यह श्रुति आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी इसे रचित करते समय थी। सृष्टि की उत्पत्ति आज भी एक रहस्य है। सृष्टि के पहले क्या था? इसकी रचना किसने, कब और क्यों की? ऐसा क्या हुआ जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ? अनेकों अनसुलझे प्रश्न है जिनका एक निश्चित उत्तर किसी के पास नहीं है। कुछ सिद्धांत है जो कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं और कुछ नए प्रश्न खड़े करते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देने वाला सिद्धांत अभी तक सामने नहीं आया है। सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत, द बिग बैंग थियरी। कोष्टक डॉट महाविस्फोट सिद्धांत, द बिग बैंग थियरी। 1929 में एडविन हबल ने एक आश्चर्यजनक खोज की। उन्होंने पाया कि अंतरिक्ष में आप किसी भी दिशा में देखे आकाशगंगाएं और अन्य आकाशीय पिंड तेजी से एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इतिहास में ब्रह्मांड के सभी पदार्थ आज की तुलना में एक दूसरे से और भी पास रहे होंगे, और एक समय ऐसा रहा होगा जब सभी आकाशीय पिंड एक ही स्थान पर रहे होंगे। लेकिन क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? तब से लेकर अब तक खगोल शास्त्रियों ने उन परिस्थितियों का विश्लेषण करने का प्रयास किया है कि कैसे ब्रह्मांडीय पदार्थ एक दूसरे से एकदम पास होने की स्थिति से एकदम दूर होते जा रहे हैं। इतिहास में किसी समय, शायद 10 सेकंड 15 अरब साल पूर्व, ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे से एकदम पास पास थे। वे इतने पास पास थे कि वे सभी एक ही जगह थे, एक ही बिंदु पर। सारा ब्रह्मांड एक बिंदु की शक्ल में था। यह बिंदु अत्यधिक घनत्व इन्फिनिट डेंसिटी का अत्यंत छोटा बिंदु इन्फिनिटेसिमली स्मॉल था। ब्रह्मांड का यह बिंदु रूप अपने अत्यधिक घनत्व के कारण अत्यंत गर्म इन्फिनिटली हॉट रहा होगा। इस स्थिति में भौतिकी, गणित या विज्ञान का कोई भी नियम काम नहीं करता है। यह वह स्थिति है जब मनुष्य किसी भी प्रकार अनुमान या विश्लेषण करने में असमर्थ है। काल या समय भी इस स्थिति में रुक जाता है। दूसरे शब्दों में काल और समय के कोई मायने नहीं रहते हैं। तारांकन, इस स्थिति में किसी अज्ञात कारण से अचानक ब्रह्मांड का विस्तार होना शुरू हुआ। एक महाविस्फोट के साथ ब्रह्मांड का जन्म हुआ और ब्रह्मांड में पदार्थ ने एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर दिया। महाविस्फोट के 10:43 सेकंड के बाद अत्यधिक ऊर्जा फोटॉन कणों के रूप में का ही अस्तित्व था। इसी समय क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन जैसे मूलभूत कणों का निर्माण हुआ। इन कणों के बारे हम अगले अंकों में जानेंगे। 10:34 सेकंड के पश्चात क्वार्क और एंटी क्वार्क जैसे कणों का मूलभूत कणों के अत्यधिक ऊर्जा के मध्य टकराव के कारण ज्यादा मात्रा में निर्माण हुआ। इस समय कण और उनके प्रति कण एक, दोनों का निर्माण हो रहा था। इसमें से कुछ एक कण और उनके प्रति कण दूसरे से टकरा कर खत्म भी हो रहे थे। इस समय ब्रह्मांड का आकार एक संतरे के आकार का था। 10:10 सेकंड के पश्चात एंटी क्वार्क क्वार्क से टकरा कर पूर्ण रूप से खत्म हो चुके थे। इस टकराव से फोटॉन का निर्माण हो रहा था। साथ में इसी समय प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी निर्माण हुआ। 1 सेकंड के पश्चात जब तापमान 10 अरब डिग्री सेल्सियस था, ब्रह्मांड ने आकार लेना शुरू किया। उस समय ब्रह्मांड में ज्यादातर फोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो 3 और उनके प्रति कणों के साथ में कुछ मात्रा में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन थे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ने एक दूसरे के साथ मिलकर तत्वों, एलिमेंट्स का केंद्र, न्यूक्लियाई बनाना शुरू किया, जिसे आज हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और ड्यूटेरियम के नाम से जानते हैं। जब महाविस्फोट के बाद 3 मिनट बीत चुके थे, तापमान गिरकर 1 अरब डिग्री सेल्सियस हो चुका था। तत्व और ब्रह्मांडीय विकिरण, कॉस्मिक रेडिएशन का निर्माण हो चुका था। यह विकिरण आज भी मौजूद है और इसे महसूस किया जा सकता है। आगे बढ़ने पर 300,000 वर्ष के पश्चात विस्तार करता हुआ ब्रह्मांड अभी भी आज के ब्रह्मांड से मेल नहीं खाता था। तत्व और विकिरण एक दूसरे से अलग होना शुरू हो चुके थे। इसी समय इलेक्ट्रॉन केंद्रक के साथ में मिलकर परमाणु का निर्माण कर रहे थे। परमाणु मिलकर अणु बना रहे थे। इसके 1 अरब वर्ष पश्चात ब्रह्मांड का एक निश्चित सा आकार बनना शुरू हुआ था। इसी समय क्वासर, प्रोटो गैलेक्सी, आकाशगंगा का प्रारंभिक रूप, तारों का जन्म होने लगा था। तारे हाइड्रोजन जलाकर भारी तत्वों का निर्माण कर रहे थे। आज महाविस्फोट के लगभग 14 अरब साल पश्चात की स्थिति देखें। तारों के साथ उनका सौर मंडल बन चुका है। परमाणु मिलकर कठिन अणु बना चुके हैं, जिसमें कुछ कठिन अणु जीवन उदा अमीनो एसिड के मूलभूत कण है। यही नहीं, काफी सारे तारे मरकर श्याम विवर ब्लैक होल बन चुके हैं। ब्रह्मांड का अभी भी विस्तार हो रहा है और विस्तार की गति बढ़ती जा रही है। विस्तार होते हुए ब्रह्मांड की तुलना आप एक गुब्बारे से कर सकते हैं। जिस तरह गुब्बारे को फुलाने पर उसकी सतह पर स्थित बिंदु एक दूसरे से दूर होते जाते हैं, उसी तरह आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही है।
यह विस्तार कुछ इस तरह से हो रहा है जिसका कोई केंद्र नहीं है। हर आकाशगंगा दूसरी आकाशगंगा से दूर जा रही है। वैकल्पिक सिद्धांत, द अल्टरनेटिव थियोरी। इस सिद्धांत के अनुसार काल और अंतरिक्ष एक साथ महाविस्फोट के साथ प्रारंभ नहीं हुए थे। इसकी मान्यता है कि काल अनादि है, इसका न तो आदि है न अंत। आइए इस सिद्धांत को जानें। आकाशगंगाओं, गैलेक्सी और आकाशीय पिंडों का समूह अंतरिक्ष में एक दूसरे से दूर जाते रहता है। महाविस्फोट के सिद्धांत के अनुसार आकाशीय पिंडों की एक दूसरे से दूर जाने की गति महाविस्फोट के बाद के समय और आज के समय की तुलना में कम है। इसे आगे बढ़ाते हुए यह सिद्धांत कहता है कि भविष्य में आकाशीय पिंडों का गुरुत्वाकर्षण इस विस्तार की गति पर रोक लगाने में सक्षम हो जाएगा। इसी समय विपरीत प्रक्रिया का प्रारंभ होगा, अर्थात संकुचन का। सभी आकाशीय पिंड एक दूसरे के नजदीक और नजदीक आते जाएंगे और अंत में एक बिंदु के रूप में संकुचित हो जाएंगे। इसी पल एक और महाविस्फोट होगा और एक नया ब्रह्मांड बनेगा। विस्तार की प्रक्रिया एक बार और प्रारंभ होगी। यह प्रक्रिया अनादि काल से चल रही है। हमारा विश्व इस विस्तार और संकुचन की प्रक्रिया में बने अनेकों विश्व में से एक है। इसके पहले भी अनेकों विश्व बने हैं और भविष्य में भी बनते रहेंगे। ब्रह्मांड के संकुचित होकर एक बिंदु में बन जाने की प्रक्रिया को महासंकुचन, द बिग क्रंच के नाम से जाना जाता है। हमारा विश्व भी एक ऐसे ही महासंकुचन में नष्ट हो जाएगा जो एक महाविस्फोट के द्वारा नए ब्रह्मांड को जन्म देगा। यदि यह सिद्धांत सही है तब यह संकुचन की प्रक्रिया आज से 1,50,000,000,000 वर्ष पश्चात प्रारंभ होगी। यथास्थिति सिद्धांत, द क्वाइट स्टेट थियोरी। महाविस्फोट का सिद्धांत सबसे ज्यादा मान्य सिद्धांत है, लेकिन सभी वैज्ञानिक इससे सहमत नहीं है। वे मानते हैं कि ब्रह्मांड अनादि है, इसका न तो आदि है न अंत। उनके अनुसार ब्रह्मांड का महाविस्फोट से प्रारंभ नहीं हुआ था, न इसका अंत महासंकुचन से होगा। यह सिद्धांत मानता है कि ब्रह्मांड का आज जैसा है वैसा ये हमेशा से था और हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है।